तो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू अनदर ड्रैगन बॉल लेजेंड्स वीडियो। एंड आज की वीडियो थोड़ी सी होने वाली है हमारे पार्ट थ्री के ऊपर, बिकॉज पार्ट थ्री से पहले तुमको सीसी कलेक्ट करने ही पड़ेंगे, ये तो तुमको पता ही होगा। एंड मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई हमने गलती से समोन कर दिया, बिकॉज लेजेंड्स ने यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे गोकू का बैनर अभी फ़िलहाल, एंड गोहान कोजीटा का भी है, वेजिटो का भी है, एंड गोकू एंड बार्डो भी है, कोलम फ्रीजा जेनेम्बा एंड किड बू खत्म। सो ये इतने सारे बैनर है ना भाई, मैं बोल सकता हूँ कि तुम समोन के लिए तुम्हारा दिल करेगा ही करेगा, बट यार तुम सोच के देखो, तुम इसमें समोन करते हो ठीक है, एक टाइम पे गोकू वाला आई डोंट नो बंदे कह रहे बेकार है बट मुझे नहीं लगता, ओके। एंड गोहान एक टाइम पे ब्रोकन चल रहा है, फाइन, अगर तुमने इसमें समोन कर भी दिया एक या दो रोटेशन एंड तुम्हारा नहीं निकला वो बुरा होगा, ओके। पार्ट थ्री, क्योंकि भाई देखो पार्ट थ्री में अल्ट्रा आएगा ये तो कन्फर्म है। एंड बात करें अगर सीसी सेविंग्स की, तो भाई ये बहुत हार्ड होने वाला है लोगों के लिए, बिकॉज अभी लेजेंड्स कोई इवेंट नहीं निकाल रहा है, ओनली एक रेड निकाल दिए एंड एक तुम देख सकते हो यहाँ हमारा बिंगो वाला हो गया, उसमें से तुमको 500 कुछ मिल रहे हैं, एक दो एंड बाकी सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड तुम्हारे पास एक होई पोई होगा इवेंट, जो कि मतलब यहाँ से भी तुमको 500 सीसी मिल रहे हैं, तो कुल मिला के तुमको 700 ये तुम्हें इवेंट में से मिल जाएंगे, ओके, अभी फ़िलहाल के लिए। एंड मैं यहाँ पे टॉप की वीडियो नहीं डाल पाऊँगा बिकॉज इस बार मैं दो बार डेड हो गया हूँ, बिकॉज मैंने एक गलती कर दी थी, मैं क्या बताऊँ यार, पहली बार मुझसे गलती हुई एंड मेरा इस बार का टॉप बेकार हो गया बहुत ज़्यादा। एज यू कैन सी मैं यहाँ पे भी डेड हो गया हूँ, यहाँ पे भी डेड हो गया हूँ, तभी मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मैं इतना गलत वाला खेल पाया और खेला हूँ मैं, ओके, दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगा टॉप की भी, ओके। एंड ये मंथ एंड भी होने वाला है एंड दैट्स मीन हमको 600 सीसी मिलेंगे हमारे लेजेंड्स रैंकिंग में से, तो इसके अंदर अपनी रैंक बना के रखना बिकॉज यहाँ पे 600 तुमको मिल जाएंगे, ओके, कन्फर्म है आराम से। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ओनली एक डे है, ओनली एक दिन है, मतलब कि ओनली एक दिन है, मतलब एक दिन मतलब होता है यहाँ पे दो दिन, बिकॉज इसके बाद एक और टाइमिंग आएगा, ओके। सो एक तारीख को हमें यहाँ से 600 कुछ मिल जाएंगे। सो एज यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे 18,000 कुछ है, नॉट बैड यार, मैंने समोन किया था गोहान के अंदर एंड उसके बाद से मैंने सेविंग्स हमने ध्यान दिया था एंड 7,000 कुछ मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए। एंड तुमको क्या करना है यहाँ पे, तुमको दिखा दूँ कि तुमको किस तरह से सेविंग करनी है, अगर तुम्हारे पास 20,000 कुछ होने वाले हैं उसके लिए तुमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस नेक्स्ट वीक के अंदर, ओके, बिकॉज मेरे 20,000 बहुत जल्द होने वाले हैं। सो तुमको क्या करना है, तुमको जो पीवी का मिशन आए हैं वाले, इसको जो इसमें जो सीसीस हैं इसको कलेक्ट नहीं करना है, बिकॉज हमारे पास अभी 10 है, 10 तुम समझ सकते हो। सो एज यू कैन सी यहाँ पे 100, 200 एंड नीचे जाओगे तो 300, सो टोटल 700 कुछ है यहाँ पे। सो ये चीज़ ये तुमको कलेक्ट नहीं करना अभी, ओके। एंड मेरे पास अभी फ़िलहाल ये भी आया था न्यू, इसके मिशन कंप्लीट कर रहा हूँ अभी, कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज 20,000 के बाद ही कलेक्ट करेंगे, ओके। एंड ये तुम देख सकते हो ये जो रेड हॉर्न्स मिल रहे थे उसमें से भी तुमको 600 हो गए। सो ये भी तुमको कलेक्ट नहीं करना बिकॉज यहाँ पे तुम 19 है, सो तुमको ये सब कलेक्ट अभी नहीं करना अगर तुम 20,000 के करीब में हो, ओके। ये तुमको एक मैं हिंट दे रहा हूँ कि तुम किस तरह से सेविंग करो अपनी। मेरी सेविंग्स तो भाई सही चल रही है बिकॉज मैंने यहाँ पे हम थोड़ा सोचा था कि कैसे करना है, ओके। एंड एज यू कैन सी मैं यहाँ पे भी कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये सब तो कलेक्ट कर लो बट 10 भी मत करना, 10, 20 जितने भी मिल रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ये भी बाद में काम आएंगे तुम्हारे को, भी अभी कलेक्ट मत करो। अगर तुम ये चीज़ तुम भी कर रहे हो तो तुमको ये नहीं करना है अभी, कलेक्ट नहीं करना है ये भी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार, बिकॉज 20,000 के बाद अगर तुम F2P हो, तुम CC बाय नहीं करते हो, तो तुमको इस तरह से ही सेविंग्स करनी पड़ेगी राइट नाउ, बिकॉज बाद में तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, ओके। अभी लेजेंड्स क्या है, कुछ कैंपेन्स भी निकाल रहा है ऑनलाइन कैंपेन्स ट्विटर पे एंड फेसबुक पे, उससे भी CC हमको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं गिफ्ट बॉक्स के अंदर, सो उनको भी कलेक्ट मत करो, मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा,
भाई इन सब को कलेक्ट अभी कर लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो। सो इनको कलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी फ़िलहाल। अभी हमारे पास यहाँ पे 25 एंड 28 दोनों में तुम देख सकते हो थोड़े थोड़े डिफरेंस है, तो मैं उससे पहले कलेक्ट कर लूँगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। ओके, तुमको इस तरह से कुछ सेविंग पे ध्यान देना अपने। जो भी तुमको इवेंट में सीसी मिल रहे हैं जिन पे टाइम लिमिट है, वो तुमको अभी फ़िलहाल नहीं एक्सचेंज करना। तुमको एक्सचेंज क्या करना है, तुमको एक्सचेंज करना है जो एक्सचेंज शॉप के अंदर मिलता है, बिकॉज यहाँ से अगर तुमने एक्सचेंज अभी नहीं किया तो तुम बाद में बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ओके, वो सारे तो तुम ले लोगे, इनको नहीं ले पाओगे, बिकॉज तुम जानते हो 20,000 के बाद तुम यहाँ से कोई सीसी नहीं ले पाओगे। मैंने दैट्स वाई सारे के सारे यहाँ से ऑलरेडी ले चुका हूँ। ओके, एंड एज यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे 1000 मेरे 1000 से ऊपर मेरे गिफ्ट बॉक्स के अंदर है। 1000 मेरे पास यहाँ पे शैनरोन इवेंट है उसके अंदर भी है, मैं अभी कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो कि बाद में करूँगा। आराम से तरह से कर सकते हो अगर तुमने शैनरोन को अभी तक समोन नहीं किया है, बिकॉज ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। अगर तुमने यार देखो इस समय गड़बड़ कर दी है तो तुम यार समझ सकते हो पार्ट 3 के अंदर थोड़ी दिक्कत होएगी, बिकॉज लास्ट ईयर क्या हुआ था मेरे साथ कि मैंने पार्ट 2 के अंदर समोन कर दिया था गोकू एंड फ्रीजा के लिए, बिकॉज मेरे पास वो नहीं थे, एंड उसके बाद में दिक्कत हुई थी पार्ट 3 में, बिकॉज मेरे पास सीसी कम पड़ गए, दैट्स वाई। मेरे पास 1000 मेरे गिफ्ट बॉक्स के अंदर है, 1000 मेरे पास मेरे शैनरोन के पास है, एंड 4000 मेरे पास मिशंस के अंदर है। एंड बात करें अगर 600 यहाँ पे भी आ जाएंगे मेरे पास, एंड सीसी यहाँ से लेंगे अगर हम पीपी से 700 यहाँ से। ओके, एंड ये कुछ छोटे मोटे रिवॉर्ड्स हैं, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे भी मेरे पास 100 कुछ है। ओके, एंड यहाँ से भी हमको 500 कुछ मिल जाएंगे। तो जरूर बताएं क्या स्ट्रेटेजी चल रही है फिलहाल के लिए अभी पार्ट 3 के लिए। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं इस तरह से कलेक्शन कर रहा हूँ अपनी चीज़ की। सो मैं बस ये चीज़ शेयर करना चाहता था कि तुमको एक हिंट मिले कि तुमको किस तरह से सेविंग करनी चाहिए अगर तुम F2P हो, एंड 20,000 के बाद तुमको किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कलेक्ट करने के लिए। ओके, अभी फिलहाल कोई इवेंट नहीं चल रहा है ढंग का, ओनली एक रेड थी उसमें से भी बंदों ने कलेक्ट कर लिए होंगे मुझे पता है, एंड कोप के अंदर से भी मैंने सारे कलेक्ट कर लिए, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके, अभी क्या है कि सिर्फ टॉप जो है रीसेट होगा एंड लेजेंड रैंकिंग रीसेट होगी, इनमें से सीसी मिल पाएंगे और अदरवाइज़ कोई और चांस नहीं है। एंड डेली स्टैम्प्स की बात करें तो वो तो मेरा आज ही क्लियर हुआ है, तो मैं अब रीस्टार्ट करना पड़ेगा सारा का सारा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि तुमको किस तरह से सेविंग करनी है इसमें, बिकॉज अगर तुम सेविंग नहीं कर रहे हो और समनिंग कर रहे हो तो तुम बाद में बहुत पछताओगे भाई। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये एक्सपीरियंस करके कह रहा हूँ। ओके, सो यही आज की वीडियो थी, एंड आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो गाइस। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए बाय बाय गाइज़।